दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छा ही है, अच्छा रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए क्या स्पेशल बनाने जा रही हूँ, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, चलिए बनाने। हाय दोस्तों, देखिए इतना सा चना मैं भिगो के रखी थी रात को, अभी इसका मैं बना लेती हूँ कुछ। इसको मैं कुकर में डाल देती हूँ बॉईल करने के लिए। इसको बाहर से धो के ही लाई, पूरे पानी के सही से रख देती हूँ। इसमें जरा सा नमक दे दूंगी। हल्दी जरा सा दे देना है। दो सीटी लगाने तक दो सीटी लगा देंगे, उसके बाद उतार देंगे। अभी हल्दी और नमक दे दी, अभी बंद कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, जीरा, सॉरी ये कर तो इतना सा धनिया को भून लूँगी। और धनिया और क्या मिलाते हैं, ये है जीरा, और थोड़ा सा देती हूँ जीरा। इतना सा गरम मसाला, इलायची किधर है, नीचे हो गया, दो तीन इलायची भी दे देती हूँ। लौंग दे दूंगी दो, जाना अच्छा लगता है। ये है लौंग, और ये है दो प्याज, और ये इसका पेस्ट बनाऊंगी। देखिए दोस्तों, इतना सा ही मसाला बना के उस चना में डालूंगी। अब इसको मैं भूनने जा रही हूँ, और इसको मैं पीस लूंगी, दोनों को पीस लेती हूँ। उसके बाद और क्या क्या देके मसाला बनाऊंगी देखिएगा। इन सबको भून लेती हूँ जरा से लाल होने तक। देखिए इसको भून ली, अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो मसाला पीस के रेडी कर ली मैं, अदरक लहसुन और प्याज को भी पीस ली हूँ इसमें। अभी इसमें अब ज़रा सा मैं मिला देती हूँ मिक्स मसाला, पैरोट का है। और काली मिर्च, इसको नहीं मिलाती हूँ, इसको अलग से भूनना पड़ेगा। हल्दी भी दे देती हूँ, दे दी। अभी जो मसाला पीसे थे वही पानी सिलौटी को धो के लाए हैं, वही को दे देंगे। इसको अच्छा से इसे मिला देना है दोस्तों, सबको एक में मिक्सिंग करके 5 मिनट रख दीजिएगा मसाला को। अभी मैं इसको रख देती हूँ 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैं करूँगी। दोस्तों, कुकर खोल के, पका है कि नहीं पका है, देखिए दोस्तों पक गया है। अब इसको मसाला भूंज के छोंक लगा देना है, बन जाएगा चना मसाला। तो दोस्तों चलिए अब छोंक लगाते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है दोस्तों, तेल जरा दे देती हूँ। देखिए दोस्तों, तेल गर्म होके इसको दे दी हूँ। अभी दे दे रही हूँ करी पत्ती और मिर्ची, सॉरी मिर्ची बोल रहे हैं, मिर्ची तो पहले ही दे दिए हैं। प्याज गैस को ऑफ कर दी थी, बहुत ये हो गया था, जल जा रहा था, इसीलिए अब ऑन कर लेती हूँ।
जरा सा अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट ले लेती हूँ। आगे अब मसाला दे देती हूँ। इसी में कद्दूकस कर देते हैं टमाटर को। मसाला अच्छा से भुना गया दोस्तों, देखिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ चना। देखिए अब बन के रेडी हो गया ये। अब बना लेती हूँ पूरी। देखिए दोस्तों ये है मैदा, जरा सा मैं इसमें नमक दे दी और जरा सा इसमें रिफाइंड डाल लेती हूँ। खस्ता करने के लिए ज़्यादा नहीं देना है, नहीं देंगे। अब उसका भी थोड़ा सा खस्ता कर लेती हूँ। खस्ता हो गई दोस्तों, देखिए अब इसमें मैं पानी डाल लेती हूँ और अच्छा से गूंध लूँगी। तेल गरम हो चुकी है दोस्तों, अब मैं यहाँ बना लेती हूँ, बेल लेती हूँ। देखिए तेल गरम हो चुकी है, डाल देती हूँ। देखिए बहुत अच्छा तरीका से बना है दोस्तों, फूल गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए पक गया, इसको उतार लेती हूँ। देखिए दोस्तों बना ली, ये चना है और ये है मैदा का पूरी बना ली हूँ दोस्तों। देखिए अब चख लेती हूँ कैसे बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। देखिए चख लेती हूँ, वाकई दोस्तों एक नंबर टेस्टी बना है। ये चना का जो बनाया हूँ छोला को भी फेल कर दिया है, बहुत टेस्टी। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग के प्यारे प्यारे हाथों से एक सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। आप चैनल पर इतना देर बने रहे हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटी सी वीडियो में आज इतना ही दोस्तों, और दूसरी वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। जय आदिवासी, जय जोहार, जय झारखंड।